मकर संक्रांति के अवसर पर श्री गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाला परंपरागत खिचड़ी मेले की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। इस अवसर पर शिव अवतार बाबा गोरखनाथ जी को अपनी पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इस वर्ष शुभ विक्रम संवत 2078 शक 1943 पौष मास शुक्ल पक्ष 14 जनवरी 2022 द्वादशी तिथि दिन शुक्रवार को रात्रि समय 8:49 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए इस वर्ष मकर संक्रांति का महापर्व निर्विवाद रूप से 15 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा। उक्त जानकारी श्री गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी ने देते हुए बताया कि धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण ही मकर संक्रांति कहलाता है। चूंकि जगत पिता भगवान सूर्य इस तिथि को उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, इसलिए हर प्रकार के मांगलिक एवं पुण्य कार्य इस पवित्र तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का महत्व शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णित है, जिसमें चावल घी कंबल स्वर्ण गौ आदि प्रमुख हैं। इस महापर्व को विभिन्न प्रांतों में खिचड़ी मकर संक्रांति पोंगल लोहड़ी आदि नामों से मनाया जाता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश बिहार तथा देश के विभिन्न भागों के साथ साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन शिव अवतार भगवान गोरखनाथ जी को अपनी पवित्र खिचड़ी चढ़ाने आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए पूरी तैयारी की गई है। योगी कमलनाथ जी ने बताया कि चूंकि मकर संक्रांति पर्व परंपरागत रूप से 14 जनवरी को आम श्रद्धालु जनों में मनाया जाता है, दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दृष्टि से 13 जनवरी के दोपहर बाद से ही आने वाले श्रद्धालुओं को परिसर में रुकने की व्यवस्था इस भीषण शीतलहरी में गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित धर्मशाला और अन्य स्थानों पर की गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी चढ़ाने वाले श्रद्धालु जन सुविधा पूर्वक भगवान और गोरखनाथ जी का दर्शन कर सके, इसके लिए बैरिकेडिंग का कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। मंदिर परिसर में जगह जगह अलाव की व्यवस्था पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ परिसर में पहले से मौजूद सुलभ शौचालय के साथ साथ मंदिर परिसर के पश्चिम में नए शौचालय बनाए गए हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में विद्युत की आपूर्ति अनवरत बना रहे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जनरेटर रखे गए हैं। मंदिर और मेला परिक्षेत्र में प्रत्येक गतिविधि को नजर रखने के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चूंकि 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, इसलिए मकर संक्रांति के बाद दूसरे मंगलवार जो 25 जनवरी को है, यही बुढ़वा मंगल के रूप में मनाया जाएगा। जिसके संबंध में गोरखनाथ मंदिर के व्यवस्थापक द्वारिका तिवारी ने बताया कि संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी का मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आकर बाबा गोरखनाथ जी को खिचड़ी प्रसाद तथा फूल माला चढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को रहने की व्यवस्था तथा हर तरह की व्यवस्था मंदिर में किया गया है तथा प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था पूरी तरह से किया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए मंदिर में सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था की गई है तथा लोगों से अपील किया जा रहा है कि मेले में मास्क लगाकर ही आएं तथा भयंकर महामारी फैलने ना पावे। उन्होंने बताया कि मंदिर में दो द्वार बनाए गए हैं, महिला द्वार और पुरुष द्वार अलग अलग किया गया है। इस तरह से लोगों को दर्शन दूरी बनाकर कराया जाएगा। मेले में लोग तमाम तरह के झूले मिठाइयां और कई तरह की चीजों का आनंद ले रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के व्यवस्थापक द्वारिका तिवारी ने कहा, उचित स्थान पे आप लोग अपनी गाड़ी देता Oh,
मंजीत विश्वकर्मा। खिचड़ी मेले की परंपरा तो अब इतना तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ जब से होश संभाला है तब से ये जानता हूँ कि बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी को सभी श्रद्धालु चाहे मैं हुआ चाहे कोई भी जनमानस यहाँ पे खिचड़ी लेके आते हैं, जैसे चावल और उड़द मिले हुए और बाकी लोग सब कुछ लेके आते हैं जो उस दिन के लिए मान्यता दी जाती है। कितने सालों से आ रहे हैं? मैं विगत मेरी उम्र 34 साल हो गई है और मैं जब 8 साल का था तब से आ रहा हूँ। को देखते हुए किस तरह से है? सारे लोगों को जहाँ तक आपके कैमरे जा रहे होंगे वहाँ पे देखें, सब अपना मास्क लगा रहा है, सबका स्वयं का सैनिटाइजर भी है, मुख द्वार पे भी सैनिटाइजर रखे गए, हर जगह लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है। ये तो आप जान रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग हजारों लोग जो है श्रद्धालु जन आकर भगवान गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कर वापस जाते हैं। उनके रहने की व्यवस्था, उनके हर तरह के सुविधा देने की प्रबंध मंदिर प्रबंधन किया गया है, प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था किया गया है। प्रशासन मंदिर प्रबंधन जो है कोविड को महामारी को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइज मास्क की व्यवस्था की गई है, लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो मास्क लगा कर आएँ, क्योंकि भयंकर महामारी जो है फैलने न पावे, सब लोग अपने अपने सुरक्षा का ध्यान रखें, ये व्यवस्था की गई है। उनको यही भी कहा जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है कि वो मास्क लगा के आवें, सैनिटाइज लेकर आवें, मंदिर की ओर से भी सैनिटाइज और मास्क की व्यवस्था की गई है, दूरी बढ़ाते हुए जो है लोग दर्शन करें। महिला द्वार पुरुष द्वार अलग अलग किया गया है, एक बार महिलाओं को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जाएगा, फिर पुरुष को छोड़ा जाएगा, इस तरह धीरे धीरे जो लोगों को दर्शन दूरी बढ़ाते हुए किया जाएगा। कितने श्रद्धालु आने की संभावना है? अभी तो इसमें अभी कोई कहा नहीं सकता, लेकिन लाखों लोग इसमें दर्शन करने के लिए भगवान गोरखनाथ जी का आते हैं। क्या क्या चढ़ाया जाता है? फूल है, माला है, प्रसाद है, खिचड़ी है, मुख्य रूप से खिचड़ी लोग चढ़ाते हैं भगवान गोरखनाथ जी को, जो मनौती किए रहते हैं, चावल दाल मिलाकर जो है खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा भगवान गोरखनाथ जी को पहले से ही चली आ रही है।